नमस्कार साथियों साथियों, अगर हमारी लाइफ में अगर एक दोस्त हो तो हमारी आने वाली परेशानियां काफी हद तक कम हो जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ एक ऐप लॉन्च किया है। साथियों, CBSE मानती है कि हमारे 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो काफी स्ट्रेस में है। उनका एग्जाम्स, उनकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तनाव इस कदर से हावी है कि वो सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। कोविड की वजह से उनके परिवार में बीमारी फैली हुई है और वो मानसिक तनाव से बहुत बुरे तरह से गुजर रहे हैं। तो इसी तरीके को दूर करने के लिए और उनके तनाव को दूर करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये ऐप लॉन्च किया है। साथियों बच्चों, ये एक काउंसलिंग ऐप होगा। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा और कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो काउंसलिंग का मतलब है आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको उसके लिए कैपेबल बनाना कि आप उसको स्वयं से दूर हो पाए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आप सक्षम हो पाए। तो CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ ऐप ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव किया है और मानसिक सेहत का ध्यान रखना ही आपको पड़ेगा। तो 12वीं क्लास के छात्र हों चाहे 9वीं क्लास के छात्र हों, सभी के मन में अपने आने वाले भविष्य के लिए अनेक चिंताएं हैं और साथ साथ उनके जो माता पिता हैं उनके मन में भी बहुत सारी चिंताएं घर किए हुई है कि उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा। तो ये जो ऐप है वो उनको उस भव से निकालने में काफी मदद करेगा। इसमें लाइव सेशंस होंगे और काउंसलर्स काफी अच्छे यहां पर होंगे। 83 वॉलेंटियर्स जो हमारे काउंसलर हैं वो यहां पर अपनी सेवाओं को देंगे जिसमें देश विदेश के शामिल होंगे। तो आपके लिए ये ऐप बहुत ही उत्तम तरह का ये काफी लाभदायक ऐप होगा और आपकी जो मन की जो कुंठाएं हैं, भावनाएं हैं और विचार हैं, बुरे विचार हैं, उनको दूर करने में ये आपकी सहायता करेगा। साथियों, इसके साथ साथ आपकी करियर संबंधी भी काफी क्वेरीज होती हैं। हम 12वीं में क्या करेंगे, कम मार्क्स आए तो क्या होगा, एग्जाम समय पे होंगे, क्या एग्जाम कैंसिल होंगे, 10वीं के बाद वाली जो ITI या दूसरे जो हमारे ऐसे वोकेशनल टाइप के जो कोर्सेज थे उनमें हम एडमिशन कैसे लेंगे, इन सभी को भी ये ऐप सहायता करेगा ताकि जो छात्र हैं वो अच्छी तरह से कैपेबल हो सकें और वो इन परेशानियों से उबर पाए। तो यहाँ पर आपको काफी मेंटल हेल्थ को रखने के लिए, फिट रखने के लिए भी टिप्स दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा COVID-19 के संबंधित प्रोटोकॉल करेगा और ऑडियो विजुअल मैसेजेस भी देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसमें आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो लाइव सेशन करेंगे। साथ में सबसे अच्छी बात है इसमें किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। आप चैनल पर बने रहे, उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय समय पर ऐसे अच्छी बातें मिलती रहें। तो यहां पर देखिए आपके लाइव सेशन होंगे सप्ताह में 3 बार, सोमवार, मंडे, फिर वेडनेसडे और फ्राइडे। ये 3 दिन आपके रहेंगे और इन तीनों दिनों में भी आपके समय स्लॉट दिए जाएंगे। आप अपनी इच्छा से जो आपके लिए सुटेबल हो उसको आप करें। तो पहला जो होगा वो 9:30 से 1:30 के बीच में होगा, ये स्लॉट होगा, आप इसमें इसको ज्वाइन करें। या फिर आप कर ले 1:30 से लेके 5:30 तक का ये स्लॉट ले ले, तो आपकी इच्छा है। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए स्लॉट सही है। आपके अभिभावक भी इसमें अपनी सुविधा के अनुसार चैटबॉक्स के माध्यम से ऐप से जुड़ सकते हैं। तो यहां पर 9वीं और 12वीं के ही क्यों छात्रों को लिया गया, इसके पीछे भी कारण है क्योंकि 9वीं और 12वीं के छात्रों के सामने ही इस तरह की परेशानियां आती हैं, चाहे वो किशोरावस्था से संबंधित हो
एजुकेशन से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, और उनमें एक समझ भी है अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने की, तो CBSE का काउंसलिंग ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ काम पे लगे। और काफी भयानक दौर ये चल रहा पेंडेमिक की वजह से, बच्चों के सामने काफी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनका जो बचपन है वो छिनता जा रहा है, साथ ही पढ़ाई के लिए जो स्कूल्स में वो मजे करते थे, मौज मस्ती करते थे या एंटरटेनमेंट कर रहे थे, अब केवल एंटरटेनमेंट उनका मोबाइल के अलावा और कुछ भी नहीं रहा, केवल केवल वीडियो गेम्स, मोबाइल, इनके अलावा उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, और उनका जो कैपेबिलिटी है वो काफी दूर होती जा रही है। तो साथियों, यहाँ पर आपने पूरा का पूरा करना है, कोरोना की दूसरी भयानक जो लहर है उसको भी पार पाना है, और 12वीं की क्लास की जो परीक्षाएं हैं वो भी, उन पे भी डिसीजन होना है, 1 जून को उसका डिसीजन होगा। तो अभी बार बार में जो ये कैंसिल हो रहे हैं एग्जाम्स, इनका भी छात्रों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इस तरह से ये ऐप बहुत आवश्यक है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल कि किस तरह से ये डाउनलोड करना है और कैसे इसमें लॉगिन करना है, ये सारी बातें अभी मैं आपको ले चलता हूँ गूगल प्ले स्टोर पर। तो साथियों, ये गूगल प्ले पर आ गए हैं, और आपने तो देख करके आप जान सकते हैं कि कितना अच्छा ऐप होगा, और ये काउंसलिंग के लिए काफी अच्छा है। अभी इसके रिव्यू के बारे में भी मैं बात करूंगा कि रिव्यू क्यों गलत इसके आए हुए हैं। तो अबाउट ऐप हम देख लेते हैं कि क्या है इसके बारे में, ऐप की जो डिटेल्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऐप, ये आपके लिए है, स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के लिए। तो यहाँ पर ये काउंसलिंग ऐप रहेगा, और जो CBSE के एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके लिए ही ये होगा, और 7 मई को अपडेटेड हुआ है। अभी धीरे धीरे इसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ेगी, और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये इसका लोगो है, आप CBSE दोस्त फॉर लाइफ, और यहाँ पर बिल्कुल CBSE इसका दोस्त की तरह बन के आ रहा है, और उनकी जो परेशानियां उसको वो दूर करने के लिए आएगा। तो इसके जो यहाँ पर अगर हम देखें तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर इसके काफी बुरे यहाँ पर दिए हुए हैं रिव्यूज। तो ये रिव्यूज इसलिए हैं क्योंकि ये 10 मई से शुरू होने वाला है, और इसकी अभी जो डाउनलोडिंग तो कर रहे हैं लेकिन अभी ये ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के रिव्यू अभी ना दें, क्योंकि इसको थोड़ा सा समय दें, इनिशिएटिव है, अभी शुरुआती दौर है, और समय रहते इसको CBSE और अच्छा परफॉर्म करेगी, इसको जो कमियां है उसको वो दूर करेगी। तो आइए देख लेते हैं कि ओपन करने पे क्या इसका इंटरफेस आएगा। तो यहां पर देखिए आप, ये जो हमारे दो ऑप्शन यहां पर आएंगे हमारे, ये हम देखते हैं दो ऑप्शन। तो यहां पर स्टूडेंट लॉगिन और पेरेंट्स लॉगिन, इन दोनों तरह की लॉगिन से यहां पर किया जा सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी लॉगिन यहां पर कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट लॉगिन अगर हम करते हैं तो यहां पर देखिए आप, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो क्रिएट, जब हम न्यू पासवर्ड करेंगे तो यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि रजिस्टर्ड है, हो सकता है जो कि CBSE में अभी तक ऐसा ही लगता है, और साथ ही एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया होगा जो कि एकेडमिकली होगा, जो कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि CBSE में रजिस्टर्ड होता है। तो इसके लिए आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं, स्कूल्स में पूछ सकते हैं, टीचर से, और ये नंबर आप यहाँ पे डालोगे तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ज्यादा परेशान ना हो, समय रहते इसकी जो लैक्स हैं वो ठीक हो जाएंगे और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपने फिर वेरीफाई करना है, और यहाँ पर जो लाइव सेशन है वो आपके शुरू हो जाएंगे 10 मई से। तो यहाँ पर आप अभी परेशान ना हो, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा और अपडेटेड हो जाएगा। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए और भी मैं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, और टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की यहाँ पे लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। आई होप
ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगी। अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर जरूर करें, ताकि जो एक दोस्त काम करता है वैसे ही सीबीएसई भी काम करे और आप भी अपने दोस्तों के लिए काम करें। थैंक यू।